अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स में बहसियत एजुकेशन इंस्ट्रक्टर PF एंड DI, स्पोर्ट्स में और ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट शमूलियत अख्तियार करें। औकात कार है 8 से 2:30 बजे तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 29 अप्रैल तक 5 बजे तक होगी। टेस्ट कंप्यूटराइज होगा। इसमें आप लोग जॉइन PF ये .gov.pk वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए पाकिस्तानी जो है वो मर्द, कौमियत चाहिए, उम्र जो है वो 22 से 28 साल, कद जो है वो 163 से 186 सेंटीमीटर। इसमें मैथ इंस्ट्रक्टर है, फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर है, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर है। और इसके लिए जो है वो MSc होनी चाहिए आपकी या BSc होनी चाहिए, 4 ईयर या BS 4 ईयर होना चाहिए मुतलका सब्जेक्ट में। मैथ में अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ में होना चाहिए, मिनिमम 2.5 CGPA होना चाहिए। फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, आपका BS MSc या BSc 4 ईयर सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए या 2.5 CGPA होना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, मुतलका सब्जेक्ट में आपका मास्टर या BS 4 ईयर प्रोग्राम जो है वो या BSc 2.5 CGPA या सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। उसके बाद है जी इसमें रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइज टेस्ट जो होगा, सिलेक्शन का तरीका कार इसका। पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, आप कंप्यूटराइज टेस्ट होगा इसमें, उसके बाद जहानत टेस्ट होगा जिसमें नसाबी मजामीन, अंग्रेज़ी, फिज़िक्स, मैथ और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। सिलेक्शन सेंटर पर इब्तदाई तबी मुआयना होगा और इंटरव्यू होगा। मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवार का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाद जो है वो आपकी ट्रेनिंग वगैरह पेशावर में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उसके अलावा अज़्वाजी हैसियत गैर शादीशुदा होनी चाहिए। और इसमें जो है वो नेक्स्ट वो इंस्ट्रक्टर के लिए थी, अब PF NDI के लिए जो है पाकिस्तानी मर्द, अज़्वाजी गैर शादीशुदा होना चाहिए, 16 से 22 साल तक एज होनी चाहिए, 23 दिसंबर 2024 तक, 178 से 188 तक सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, नज़र 6x6 होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री और रियाजी कम से कम 45% नंबरों के साथ पास हो, अंग्रेज़ी में कम से कम 75 और 150 होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। सिलेक्शन सेंटर पर बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिज़िकल टेस्ट भी होगा जिसमें रनिंग मिनिमम 8 मिनट में 1 माइल जो है वो आपने करनी होगी, 20 पुशअप होंगे, 15 रीचअप्स, 4 चिन अप्स और लाउड एंड क्लियर वॉइस कमांड टेस्ट होगा शामिल होगा इसमें। फिज़िकल टेस्ट पास करना लाजमी है। उसके अलावा स्पोर्ट्स मैन है जी पाकिस्तानी मर्द, इसमें भी 15.5 से 20 साल एज है, अज़्वाजी सैयद गैर शादीशुदा और इसमें कद 163 से 188 सेंटीमीटर, मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 60% नंबरों के साथ पास किया हो। इन उम्मीदवार वरान के ने ज़िला सूबाई कौमी या बैन अवी सतह पर खेल में नुमाया कारकर्दगी की सनाद हासिल की होंगी। ऐसे उम्मीदवार अंग्रेज़ी में 47% नंबर की बजाय 33% नंबरों के साथ भी अहल होंगे। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। उसके बाद ख़वातीन मेडिकल असिस्टेंट है, अज़्वाजी हैसियत गैर शादीशुदा, 16 से 22 साल एज होनी चाहिए और कद जो है वो 147 से 188 cm, मैट्रिक साइंस कम से कम 60% नंबरों के साथ पास हो, बायोलॉजी में कम से कम 60% नंबर हो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री कम से कम 33% नंबरों के साथ पास हो, अंग्रेज़ी में कम से कम जो है वो 45% नंबर, 68/150 नंबर हो। उसके बाद दही इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक साइंस कम अज़ कम 50% नंबरों के साथ अपने इलाके के स्कूल से पास किया और अंग्रेज़ी में 33% नंबर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इनके लिए 40% है और अंग्रेज़ी में 33%, इसी तरह बलोचिस्तान में 40%। और आगे है जी नोट PF हाजर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के बच्चे अपने सर्टिफिकेट डिस्चार्ज बुक हमरा लाएंगे और क्वाइफ की जांच वेरिफिकेशन के वक्त अंदराज करवाएं।
बाद में नाराज़ नहीं होगा। 2021 या इससे पहले मैट्रिक पास करने वाले को असली ओरिजिनल जो है वो सनद जो है वो पेश करनी। 2 साल का गैप है अगर आपका, तो आपको सनद जो है 2 साल तक जो है वो इशू हो जाती है, तो आप लोगों ने सनद लेके जानी है। उसके बाद है जी इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक या इंटर में अंग्रेज़ी में कम से कम 60-40% नंबर हो, वो भी भर्ती के लिए अहल होंगे। तमाम उम्मीदवार को उम्र की बलाई हद में किसी की रियायत नहीं दी जाएगी। इसमें जनवरी और फरवरी 2024 में एयरमैन की भर्ती के लिए टेस्ट देने वाले उम्मीदवार मई 2024 में मनक़द होने वाले टेस्ट के लिए अहल नहीं होंगे। सिलेक्शन का तरीकाकार ये है, इसका सिलेक्शन सेंटर पर जहानत नसाबी इम्तहान इंग्लिश फिज़िक्स बायोलॉजी और रियाजी मजामीन पर पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू और इब्तदाई तबी मुआयना। इब्तदाई इम्तहान पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब उम्मीदवार का सिलेक्शन सेंटर पर एयर हेडक्वार्टर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू होगा। मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब एयरमैन खवातीन मेडिकल असिस्टेंट को तरबियत के लिए कोहाट और कराची भेजा जाएगा। उसके बाद एयर हेडक्वार्टर के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराहल के नतज हतमी होंगे। दर्ज झैल कवानीन की खिलाफ वर्जी के मरतकब उम्मीदवारान बहर हर सूरत जो है वो सिलेक्शन ट्रेनिंग के लिए नाअहल होंगे। BA/FA से तिबी या नज़म ज़वाबत की बुनियाद पर नामौजू करार देने दिए गए उम्मीदवारान जो उम्मीदवारान एयरमैन की भर्ती के लिए होने वाले इम्तहान में 3 मरतबा शामिल हो चुके हैं, ऐसे उम्मीदवारान जिन्होंने अपनी इसनाद में रद्दबदल किया हुआ या गलती मालूम फराहम की हुई है, अखलाकी जुराम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता एक ही एंट्री के लिए एक से ज़ायद सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवार, किसी भी सरकारी मुलाजमत से बरतरफ शुदा, उसके अलावा मुद्दत मुलाजमत तनख्वाह और मराद दीगर सहूलियात और तरक्की के मौके, मुद्दत मुलाजमत तनख्वाह और लॉन्सेस PAF की मरवजा पॉलिसी पे स्केल के मुताबिक होगी। मुफ्त खाना और रहायश होगा। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद शादीशुदा अफराद को रहायश PAF की मुरवजा पॉलिसी के तहत दी जाएगी। फैमिली और वालदैन के लिए मुफ्त तबी सहूलियात, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क को कोर्सेज और डेपुटेशन के नादर मौके होंगे, और रेल और हवाई के सफ़र की 50% रियायत सहूलत। आला तलीमी अदारों में बच्चों की तलीम के लिए खसूसी कोटा होगा। फरीजा आज की अदायगी के लिए रायती सफ़र सहूलियात, पाक फजाइया में रायश स्कीमों की मेंबरशिप होगी। ये अहल उम्मीदवार असल असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट TMC और कौमी शनाख्ती कार्ड स्मार्ट कार्ड डोमिसाइल और 4 तस्दीकशुदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर के हमरा दर्जा किसी भी एक नज़दीक तरीन PAF इंफॉर्मेशन और सिलेक्शन सेंटर पर रब्ता करें। ये नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, अगर किसी को इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर कहा करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह हाफिज़।